नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि लोग पूजा पाठ करने के बाद भी उनको उनकी मनवांछित फल मतलब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि आप दैनिक जीवन में जो पूजा पाठ करते हो उसमें दोस्तों कई लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जाने या अनजाने में वो लोग कई गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जिससे कि उनको मनवांछित फल नहीं मिलता। और दोस्तों, आज का वीडियो हम उसी गलती के ऊपर में लेके आए हैं कि आप कौन कौन सी गलती पूजा के समय करते हो तथा उस गलती को आप कैसे दूर कर सकते हो। दोस्तों, तो आज का वीडियो हम इसी के ऊपर में लेकर आए हैं, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली गलती आप यह करते हैं कि अक्सर देखे हैं कि कई लोग घर में पूजा पाठ करते समय दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ के पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान देवे कि यदि आप घर में पूजा कर रहे हो तो आपको हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करना है। दोस्तों दोस्तों, पश्चिम दिशा भी चल जाती है एक प्रकार से, लेकिन दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करके दोस्तों कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा दोस्तों यम की दिशा मानी जाती है, इसीलिए आपको दक्षिण दिशा को छोड़ के आप पूर्व और उत्तर में मुंह करके पूजा पाठ करिए। यदि दोस्तों पूर्व या उत्तर पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों पश्चिम दिशा की तरफ पूजा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पूजा पाठ न करें। दोस्तों, दूसरी गलती कई लोग यह करते हैं कि वे लोग हमेशा भगवान को अपनी मध्यमा से मतलब दोस्तों ये मध्यम की उंगली से या इस तर्जनी से भगवान का तिलक करते हैं, लेकिन दोस्तों शास्त्रों में यह विधान है कि आपको भगवान की पूजा हमेशा इस अनामिका उंगली से करना है। भगवान का जो आप तिलक करते हो वो आपको इस अनामिका उंगली से आपको भगवान जी का तिलक करना है, क्योंकि दोस्तों यह पांचों उंगली में सर्वश्रेष्ठ उंगली अनामिका मानी गई है तिलक करने के लिए। इसीलिए दोस्तों आपको घर में पूजा पाठ करते समय अनामिका उंगली का ही उपयोग करना है भगवान जी को तिलक करने के लिए। दोस्तों, तीसरी गलती आप इस प्रकार से करते हैं कि यदि आप घर में पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, तो भगवान के लिए पूजा में जो आप पुष्प लाते हो, यदि दोस्तों आप फूल तोड़ते हो या आप फूलों की दुकान से फूल लाते हो, तो ध्यान देवे दोस्तों आपको स्नान करने के बाद ही आपको फूल लेने जाना है या फूल तोड़ने जाना है। और दोस्तों, स्नान करने के बाद ही आपको तुलसी के पत्ते भी तोड़ना है। बिना स्नान किए आपको तुलसी पत्र को हाथ नहीं लगाना है, तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना है। यदि आप बेल पत्र भी तोड़ते हो दोस्तों, तो आपको स्नान करने के बाद ही तोड़ना है। दोस्तों, इसी में एक और गलती यह करते हैं आप कि यदि आपने कई सारे फूल ला लिए तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि आधे फूल घर में रख देते हैं ताकि वह कल उपयोग में आए तथा आधे फूल से पूजा आज कर लेते हैं। दोस्तों, यह काफी गलत है। जिस दिन का फूल हो, जिस दिन आपने फूल लाए हो तोड़ करके या खरीद के लाए हो दोस्तों, उसी दिन का फूल भगवान को वही दिन चढ़ावे। बासे फूल भगवान को दोस्तों अर्पण नहीं होते। इसमें दोस्तों तुलसी पत्ते का विधान कुछ और है, क्योंकि दोस्तों तुलसी पत्ता आप बासे भगवान को चढ़ा सकते हो, मतलब बासे तुलसी के पत्ते आप भगवान को चढ़ा सकते हो। दोस्तों दोस्तों, चौथी गलती आप यह करते हो कि ध्यान देवे यदि आप घर में सुबह शाम पूजा करते हो तो भगवान को नैवेद्य मतलब भोग अवश्य लगाए। दोस्तों, बिना नैवेद्य की पूजा अधूरी मानी जाती है। नैवेद्य मतलब दोस्तों यदि सुबह का खाना बन चुका है तो आप भोजन का नैवेद्य लगा दीजिए, एवं शाम का नैवेद्य भी आपको लगाना है। या नैवेद्य मतलब भोजन का दोस्तों अगर नहीं जमता है तो थोड़ी शक्कर भी आप भगवान को चढ़ा के नैवेद्य लगा सकते हो। दोस्तों, बिना नैवेद्य की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, पांचवी गलती आप इस प्रकार से करते हो कि यदि अपन आप भगवान की पूजा पाठ घर में कर रहे हो तो दोस्तों जिस भगवान को जो चीज चढ़ती है, जो वस्तु चढ़ती है, आपको वही वस्तु उसी भगवान को चढ़ाना है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे भगवान श्री गणेश को तुलसी के पत्र नहीं चढ़ता है, तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं, भगवान शिव जी को
तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। तो दोस्तों कई लोग भगवान शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं। दोस्तों माँ दुर्गा को, दुर्गा माता को दुर्वा मतलब दूब नहीं चढ़ती। दोस्तों कई लोग क्या समझते हैं कि भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दिए तो माँ गौरी को भी दुर्वा चढ़ा सकते हो। दोस्तों ऐसा नहीं है, भगवान श्री गणेश को ही दुर्वा चढ़ाना चाहिए, माँ दुर्गा को या माँ गौरी को दुर्वा न चढ़ावे। दोस्तों इस प्रकार से जिस भगवान को जह चीज चढ़ती है, आपको वह भगवान को वही चीज चढ़ाना है। दोस्तों तुलसी के पत्र भगवान विष्णु को प्रिय है, तो भगवान विष्णु को आप तुलसी पत्र चढ़ावे। भगवान विष्णु को आप भूल कर भी बेल पत्र नहीं चढ़ावे, भगवान विष्णु को बेल पत्र नहीं चढ़ता है। दोस्तों छठवीं गलती इस प्रकार से होती है कि यदि आप पूजा पाठ करते हो, दोस्तों पूजा पाठ के समय धूप एवं दीप मतलब दीपक, दिया और अगरबत्ती या धूप बत्ती, इन दो चीज का होना दोस्तों जरूरी है। इन दो चीज के बिना भी, धूप दीप के बिना भी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दिया एवं धूप आपको अपनी पूजा में अवश्य लगाना है। दोस्तों यह दोस्तों छोटी छोटी गलती यह इसी के कारण बनती है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती तथा आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, आपके मनवांछित फल पूरे नहीं होते। दोस्तों तो दोस्तों इस प्रकार से यह गलती का निवारण है, आपको यह गलती अपनी दैनिक पूजा में नहीं करना है। दोस्तों इसके बाद एक और मेन गलती है जो आप पूजा पाठ के समय कर देते हो। दोस्तों आप एक और गलती करते हैं पूजा के समय, यदि आप अपने मंदिर में या घर के देवालय में एक से अधिक दिया जला रहे हो, तो दोस्तों कई लोग करते हैं ऐसा कि एक दिया जला लिए और आप वही दिए से जो बाकी के दिए हैं आप वह जलाते हो। दोस्तों यह गलत है, आपको दिए से दिया नहीं जलाना है। दिए से दिया जलाना दोस्तों यह रोग का कारण बनता है तथा यह झगड़े का भी कारण बन जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको अपनी पूजा के समय यह गलती नहीं करना है जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। तो दोस्तों यदि आपके मन में और कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तथा हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।